हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे मान इंडस्ट्रीज के बारे में। नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा, किस फील्ड में काम करती है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, किस बेस पे इसे लेना चाहिए, क्यों स्टॉक मोमेंटम में है और कैसे रिजल्ट्स ये दे सकता है, तो क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो बनता है, किस टाइप के ट्रेडर को इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए, वो हम सब डिस्कस करेंगे। चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। कुछ ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं तो किस टाइप से शेयर चल सकता है वो हम देखेंगे। तो पहले शेयर का प्राइस हम देख लेते हैं। जो प्रीवियस क्लोज था 82 रुपीज का था, 83 पे इसने क्लोजिंग दी है 15 जैन को। तो 1.22% की तेजी के साथ ओपन होता है 82.10, 85.80 का हाई लगाता है, 81.20 का लो। तो आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट जो लगा हुआ है, 85 के आसपास ये स्टॉक जाता है और वहाँ से प्रेशर में 83 के आसपास ये बंद होता है। फाइव डे का आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो आप यहाँ देखेंगे 79.70, यानी 80 को होल्ड किया हुआ है और यहाँ पर 85 के आसपास का हाई बनाता है। तो एक रेंज के अंदर जरूरी है। तो अभी सेक्टर देख लेते हैं कि सेक्टर में कंपनी काम करती है। आप देख सकते हैं मैन इंडस्ट्री लिमिटेड इज ए मेंबर ऑफ मैन ग्रुप ऑफ इंडिया। इट इज़ ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ लार्ज डायमीटर कार्बन स्टील लाइन पाइप्स फॉर वेरियस हाई प्रेशर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन फॉर गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एंड पोर्टेबल वाटर। द कंपनी हैज स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर LSAW एंड HSAW लाइन पाइप्स एंड ऑल्सो फॉर वेरियस टाइप ऑफ एंटी कोरोजन कोटिंग सिस्टम। तो आप देख सकते हैं सभी टाइप के इनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स चाहिए और जो लाइसेंस वगैरह है वो सब इनके पास बिल्कुल हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या इसका मार्केट कैप है वो भी देख लेते हैं। 474 करोड़ की एक छोटी कंपनी है ये। ROCE देखेंगे पॉजिटिव है 13.3%, ROE देखेंगे वो भी पॉजिटिव है 7.89%। डेट जो है 45.3 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी रेशियो निगलिजिबल है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है 0.06 जो है। और डेट जो इन्होंने रिड्यूस किया है वो हम बुक्स के ऊपर देखेंगे किस टाइप से इन्होंने रिड्यूस किया है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 0.6 की बनती है, यानी अपने बुक वैल्यू जो 138 की है वहाँ से 40% डिस्काउंट के ऊपर आपको ये स्टॉक इस टाइम मिल रहा है 83 के आसपास। जो डिविडेंड यील्ड है काफ़ी इंप्रेसिव है, 3.61% के आसपास की काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। हाई जो है 92.7 का है इसका और लो जो है 25.3 का, जो कि कोविड के टाइम पे इसने बनाया था। फेस वैल्यू 5 की है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है देखने को मिल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे कितनी है, उसमें से 10.8% जो है इन्होंने प्लज की हुई है। इंडस्ट्री पी देखिए 17.2 की है, जबकि ये आपको 5.46 की पी के ऊपर मिल रहा है। अगर यहाँ से ये इंडस्ट्री की पी के ऊपर भी काम करता तो यहाँ से स्टॉक जो है 3 गुना हो सकता है। तो डबल का दमखम बिल्कुल ये स्टॉक रखता है। फंडामेंटल हम जरूर इसके चेक करेंगे। आप देख सकते हैं मान इंडस्ट्री लिमिटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ LSAW एंड HSAW पाइप्स इन इंडिया विद ए टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन टन्स। दो प्लांट्स हैं इनके, आप देख सकते हैं। कनेक्टिविटी टू रोड बोथ फैसिलिटीज पुट टुगेदर सेपरेट अक्रॉस 150 एकड़ ऑफ लैंड्स। मध्य प्रदेश में प्लांट्स हैं इनके, गुजरात में प्लांट है, दो प्लांट हैं इनके। इसके बाद ऑर्डर बुक देखिए, एज ऑन सितंबर 20 ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट 1600 करोड़, आउट ऑफ विच 1200 to 1300 करोड़ ऑर्डर बुक विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द एंड ऑफ FY21। द कंपनी हैज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन बिड वर्थ रुपीज 16500 करोड़ विच इज इन इंडिया एज वेल एज इन एक्सपोर्ट मार्केट। तो ऑर्डर बुक देखिए काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक्स हैं और जो बिड कर रखी हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। अराउंड 60 to 70% ऑफ द बिजनेस कम फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो देख सकते हैं काफ़ी एक्सपोर्ट की बिजनेस जो है इनके पास हैं। इंडिया फर्स्ट कंपनी टू एक्सपोर्ट 80 इंच डाया 18 मीटर लॉन्ग पाइप विद 20 mm थिकनेस फॉर ए प्रेस्टिजियस वाटर सेक्टर प्रोजेक्ट ओपनिंग अप न्यू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो इस टाइप की पाइप्स एक्सपोर्ट की है जिसने। एंट्री बैरियर्स देख सकते हैं, अप्रूव्ड वेंडर फॉर मेजर ऑयल एंड गैस कंपनीज ग्लोबली, ए स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर। ये कंपनी को एंट्री मिली हुई है, बाकी कंपनी इसके अंदर इतनी जल्दी एंटर नहीं कर सकती हैं। तो मोट काफ़ी अच्छा नज़र आता है, ऑयल एंड गैस कंपनीज के साथ सारी अप्रूव्ड हैं ये। इसका देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग डेट रिडक्शन एंड रिलीज ऑफ डेट प्लस शेयर्स। ये कंपनी हैज एग्रेसिवली रिड्यूस्ड डेट एंड हैज बिकम डेट फ्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी हैज बिकम डेट फ्री। कंपनी हैज आल्सो रिड्यूस्ड प्लस शेयर्स फ्रॉम 41.40 to 10.82%। तो ऑलमोस्ट 42% से 10-11% के आसपास अपना जो प्लस शेयर्स हैं उसको डाउन लेके आए हैं। अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नज़र आते हैं, डेट फ्री कंपनी है, प्लस काफ़ी कम हो गए हैं।
एंट्री बैरियर इस सेक्टर में काफ़ी मुश्किल है, ऑर्डर बुक्स अच्छी नज़र आती है और पी रेशो इसकी अपने सेक्टर से देखें, इंडस्ट्री से देखें तो काफ़ी कम है, और फेयर वैल्यू जो है इसकी 138 के आसपास बुक वैल्यू से काफ़ी कम पे आपको मिल रहा है। इसके बाद देखेंगे 200 DMA से स्टॉक ऊपर काम कर रहा है और 50 DMA से भी ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, और स्टॉक देखेंगे काफ़ी टाइम से 50 DMA के ऊपर ही सपोर्ट लेता हुआ आपको इसके मूव ऊपर ही मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है स्टॉक, जो 25-26 रुपये से जो डाउन आया था वहाँ से अच्छा इसने मोमेंटम पकड़ा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जो है 161 की जो सेल्स हुआ करती थी कुछ टाइम पहले, तो 587 के आसपास की सेल्स है। अगर हम रिसेंट का देखें जून 2018 का भी, तो 633 से जो है 587 के आसपास की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो देखेंगे 10% से 9% के आसपास हैं, और रिजल्ट्स जो हैं आप देखेंगे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने कहीं पर भी किसी भी क्वार्टर के अंदर नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, सभी आप पॉजिटिव रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे तो 1859 करोड़ की जो सेल्स हुआ करती थी वो अब आपको 1779 करोड़ की है, और इससे पहले 2222 करोड़ की भी इन्होंने सेल्स दी है। OPM जो है 7% से इंक्रीज होकर 10% के आसपास के हैं, और किसी भी ईयर में आप देखेंगे इन्होंने माइनस रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, आप देख सकते हैं सभी रिजल्ट्स जो हैं आपको पॉजिटिव ही दिखेंगे, पिछले कई सालों का भी डाटा अगर आप उठा के देखते हैं तो। इसके बाद आप देखेंगे जो सेल्स ग्रोथ है वो आपको पॉजिटिव नज़र आएगी, TTM माइनस जरूर है बट सेल्स ग्रोथ आपको पॉजिटिव नज़र आएगी, यहाँ माइनस जरूर आपको दिखाई देगी ड्यू टू कोविड, और प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आएगी, TTM माइनस 3% जरूर है ड्यू टू कोविड, बाकी आपको पॉजिटिव दिखाई देगी। अगर बैलेंस शीट की बात करें जो डेट 506 करोड़ की हुआ करती है 45 के आसपास है, आप देखिए काफ़ी अग्रेसिवली इन्होंने डेट को रिड्यूस किया है, 294 जो मार्च 2020 में था 45 के आसपास रह गया, ऑलमोस्ट 250 करोड़ के आसपास का रिड्यूस किया इन 6 महीनों में। अगर आप रिजर्व देखें 359 से 760 के आसपास के रिजर्व हैं, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी आप कह सकते हैं इसे। एसेट्स जो 1867 के थे वो 1603 के हैं इस टाइम, और शेयर कैपिटल देखेंगे काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है, 27 के आसपास ही शेयर कैपिटल है जो 29 के आसपास अब नज़र आती है। अगर डेटर डेज की बात करें हम तो 91 और 93 ऑलमोस्ट इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं अपने 90s की रेंज के अंदर ही पिछले 3 सालों से। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग 44.16 से थोड़ी सी रिड्यूस होकर 42.57 के आसपास है। FII भी इसके अंदर आपको मिलेंगे 4.25% के साथ, TII 0.21 के आसपास हैं, गवर्नमेंट 0 है, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आप देख सकते हैं 52.97 के आसपास है, जिसके अंदर से 7-8% जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में आपको नजर आएंगे, यानी 45% के आसपास पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। तो जिस हिसाब से इन्होंने अपना डेट को रिड्यूस किया है, आने वाले रिजल्ट्स जो हैं इनके काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, और जो पॉजिटिव रिजल्ट्स इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिए हैं प्लस ईयर ऑन ईयर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है यहाँ पर आपको दिखाई देगी 42.57 है, ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर बनी हुई है, बट प्लस शेयर आप देखेंगे सितंबर जो 20 में प्लस शेयर थे 41.4 वो रिड्यूस होकर 10.82 के आसपास दिसंबर क्वार्टर में दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है कि जो प्लस शेयर है वो रिड्यूस हुए हैं, और सितंबर क्वार्टर में जो 42.37 की प्रमोटर की होल्डिंग थी मार्जिनली थोड़ी सी इंक्रीज होकर 42.57 के आसपास आपको दिखाई दे रही है। तो डिविडेंड अगर आप देखेंगे कंपनी के तो आप देखेंगे कि 2017 में डिविडेंड पे किया, 18 में, 19 में, 20 में दो बार डिविडेंड पे किया हुआ है, तो अच्छा कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, बोनस नहीं दिया है, और स्प्लिट जो है 2007 में हुआ था 10 की फेस वैल्यू को 5 में जो इन्होंने किया था। इसके बाद आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं ये स्टॉक जो है एक डाउन ट्रेंड में था, जब 2018 में ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 160 की रेंज के अंदर चला करता था, यानी यहाँ से डबल के आसपास ये स्टॉक चला करता था, वहाँ से जो सेबी के कुछ रूल्स है जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप्स के शेयर्स काफ़ी गिरे थे म्यूचुअल फंड की रिसप्लिंग की वजह से, तो ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जरूर नजर आ रहा था। यहाँ पर इसने डाउन ट्रेंड को तोड़ते हुए जब प्लस दिया था कोविड की वजह से, अगेन ये स्टॉक जो है नीचे गया था, नीचे के लेवल पर आप देख सकते हैं कि 30 के आसपास का जो इसने एक लो लेवल बनाया था। ये वीकली चार्ट है जिरोदा का, जो 1 वीक की कैंडल है, लो हाई लो जो है ओपन क्लोज लो हाई जो सब रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद एक स्टॉक अभी है एक अप ट्रेंड में आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है, एक चैनल में चलते हुए बिल्कुल आपको नज़र आएगा, तो ये रेजिस्टेंस है इसका ऊपर का और एक सपोर्ट नीचे आपको ये नज़र आ रहा है, और इस चैनल में स्टॉक बढ़ते हुए नज़र आ रहा है वीकली कैंडल्स के साथ।
अगर आपको कहीं भी स्टॉक डिप पे मिलता है तो जरूर आप इसको अकोमोलेट कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर आप कोई भी डिप इसके अंदर 74-75 के आसपास बनता है तो बिल्कुल आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि बुक वैल्यू काफ़ी ऊपर है, डिविडेंड अच्छा पे करते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग जो है प्लज जो है वो काफ़ी कम हो रहे हैं, डेट रिड्यूस कर रहे हैं और जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी नज़र आती है। अगर दिसंबर के रिजल्ट्स अगर ये अच्छे अनाउंस करते हैं तो यहाँ से जो स्टॉक है एक रेंज के अंदर जो काफ़ी टाइम से बना हुआ है वो बिल्कुल आपको अपवर्ड मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आएगा। काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी है 450-500 करोड़ के आसपास की, तो ऊपर बिल्कुल इसका जो स्कोप है बहुत अच्छा नज़र आता है जाने का। अगर आप इसे पहले के भी देखेंगे जो इसका हाई है आप यहाँ देख सकते हैं 2013 में जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट 208 के आसपास ये कंपनी जो है काम किया करती थी, 240 के आसपास आप देख सकते हैं, यहाँ पर 240 के लेवल पे भी इस कंपनी ने काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2012 240-41 के लेवल पे ये स्टॉक जो है काम किया करता था, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास ये स्टॉक आपको मिल रहा है। तो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट अपनी होल्डिंग कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही आप इसके अंदर कोई भी एंट्री बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।